है आपका रियल एस्टेट आगरा चैनल पर। हम इस चैनल पर प्रॉपर्टीज के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम आपके लिए इंडिपेंडेंट हाउस 2 BHK के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर में आप जो मकान देख रहे हैं ये 2 BHK सिंप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर बना हुआ है। 2 BHK है, 2 कमरे इसमें बने हुए हैं। 134 स्क्वायर यार्ड में ये पूरा बना हुआ है। सिंप्लेक्स हाउस है, बहुत ही अच्छा। चलिए हम उसको आपकी वीडियो ट्यूर कराते हैं। देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं ये स्पेस दिया हुआ है। आराम से अपना कोई व्हीकल 4 व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं। इधर ये स्पेस दिया हुआ है बालकनी जैसे, इसमें आप आराम से रह सकते हैं। ये जैसे हम अंदर एंटर करते हैं ये अपना ड्राइंग एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आप ड्राइंग एरिया अपना, ये डाइनिंग एरिया के लिए जो स्पेस दिया हुआ है बना सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद सामने देख रहे हैं स्टोर हाउस है सामने की तरफ, और ये बगल से ही किचन दी हुई है, का मॉड्यूलर किचन दी हुई है जिसमें चिमनी के लिए स्पेस बीच में से है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है और प्रॉपर मॉड्यूलर किचन दी हुई है, ठीक है। ये स्टोर हाउस हो गया। ये इसमें रूम है, 2 रूम हैं बगल बगल से, ये रूम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये वार्डरोब के लिए स्पेस इसमें अलग से दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी स्पेसियस रूम है। ऊपर की वॉल सीलिंग देखिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। ये वॉशरूम है, बाथरूम इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश सीट दी हुई है और पूरा टाइल इस पर लगा हुआ है सर। जैसे कि आप ये पीछे के साइड में जो है स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर अपना वॉशिंग का या जैसा कोई भी मल्टीपर्पज़ स्पेस है अपना यूज़ कर सकते हैं बैक यार्ड की तरह। दूसरा रूम ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए सामने वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर वॉल सीलिंग काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें भी वॉशरूम अंदर ही अटैच्ड है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आपकी इंडियन सीट है और उस वाले में आपकी इंग्लिश सीट थी, तो मल्टीपर्पज़ है, दोनों तरह की सीट लगी हुई हैं। आप दोनों का जो भी आपको प्रेफर लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए काफ़ी स्पेसियस रूम है, अच्छा। उसके बाद जब बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर अपना ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। ऊपर की वॉल सीलिंग बहुत शानदार है, फैंस लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद किचन ये सामने दे रखी है, और ये यहाँ पर स्टोर रूम या पूजा रूम जिसको कह सकते हैं यहाँ पर हम बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्पेस इधर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये मेन गेट है और बालकनी के लिए टेरेस के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो टूर इसका प्रॉपर्टी का आपको पसंद आया होगा और आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की डाउट क्वेरी के लिए हमें कॉल करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।